प्राइम मिनिस्टर ने देश के प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा थी उसको भी खत्म कर दिया। शर्म आती है कि ये थे हमारे देश का प्रधानमंत्री, और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश का है जिसको नैतिकता और सामाजिकता जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन राजनीति कर रहे हैं, पूरा देश सड़कों पे है, यहाँ हर सामाजिक संगठन देश के, और सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं भी ये चीज को दिखा नहीं रही, पर आप जैसे लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर, इस धरने को आप कैसे देख रहे हैं? ये धरना इस देश के जो हीरे हैं, ये जो खिलाड़ी बैठे हैं हमारे हीरे हैं, देश की धरोहर हैं, आज इनको अपने न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। भूखे पैसे पिछले 14 दिन से ये लोग बैठे हैं, ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इसका संज्ञान लिया है और FIR दर्ज करने का आदेश दिया, ये भी एक बड़ी शर्म की बात है। पहले पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई आगे नहीं करी। आप सोच लो कि देश किस तरफ जा रहा है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, कोई सबका साथ सबका विकास नहीं, ये विनाश आदमी है, इस आदमी ने विनाश कर दिया इस देश का। अगर कांग्रेस ने 70 साल देश चलाया है तो उसमें इस देश ने बहुत कुछ हासिल किया है। बहुत शर्म इलाज इस देश में थी, नैतिकता नाम का कोई शब्द अगर था तो 70 साल कांग्रेस ने इस देश के जो सामाजिक लोग हैं उन्होंने जिंदा रखा है। मोदी और जो BJP के लोग हैं इनके लिए नैतिकता और सामाजिकता का कोई मोल ही नहीं है। मोदी जी तो विश्व गुरु बनाने के चक्कर में, विश्व गुरु क्या, जो देश जैसा पहले था अगर वैसे ही रह जाए इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। इस आदमी ने तो देश का नाश कर दिया। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए 15-15 लाख जो ये देने वाला था, कहाँ गई मेट्रो सिटी, बुलेट ट्रेन? इस आदमी ने जो कोई बात की क्या आज तक वो सच हुई है? तो आखिर चुन के कैसे आ जा रही है सरकार? चुन का EVM है और चुनाव जीतने का कोई ये नहीं है कि चुनाव आप बढ़िया काम कर रहे हैं। चुनाव तो गांव में एक सरपंच ऐसा निकम्मा आदमी बन जाता है जिसको कोई पसंद ही नहीं करता, धन बल से बाहुबल से, और चुनाव में तो बहुत मुद्दे होते हैं। चुनाव कोई तो लोकतंत्र में जनता ही चुनती है ना सर। चुनाव कोई पैमाना नहीं है। अगर मोदी जीत रहे हैं कि वो सब काम बढ़िया कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार उन्होंने कुमलामा के नाम पे पूरे देश को भ्रमित कर दिया, नौजवानों को कहा कि पहले बार आप वोट दे रहे हैं तो कुमलामा के सीटों के नाम पे दो। आप सोचो ना किस बात पे चुनाव लड़ा गया, क्या मोदी जी ने कोई विकास के नाम पे वोट मांगा है? नहीं मांगा। अब भी हिंदू मुसलमान और वहां कांग्रेस ने कहा बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, वो बजरंग बली की बात करने लगे। इस प्राइम मिनिस्टर ने देश के प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा थी उसको भी खत्म कर दिया। शर्म आती है कि ये थे हमारे देश का प्रधानमंत्री। लेकिन दोबारा बन जा रहे हैं, फिर 24 में भी दावे के साथ 24 में जनता इसको वोट की चोट मारेगी। आज इन्होंने देश में बहुत भय का माहौल बनाया हुआ है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि वोट की चोट मारेगी, इसके पहले भी किसान आंदोलन हुआ काफी सरहद पे, साल भर से ज्यादा किसान बैठे थे तब भी दोबारा। देखिए 5 साल में लोगों को एक बहम था कि अच्छे दिन आ जाएं शायद अगली बार, अब लोगों में ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। लोगों को पता है कि ये बिल्कुल फ्रॉड आदमी है, इस आदमी ने कुछ नहीं करना, न इसको देश की बेटियों का है, न इसको देश के विकास का है, न इसके देश को कहीं कोई चिंता इस आदमी को देश की नहीं है। ये आदमी सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए है और वो कर रहा है, उसको किसी भी तरीके से वोट चाहिए, बस चाहे वो सैनिक के नाम पर राजनीति करे, चाहे वो इन बेटियों के नाम पे राजनीति करे। कल तक तो वो जब ये बेटियां मेडल लेके आई वो फोटो खिंचवाता था घर बुला के, चाहे कब देता था इनको। देश की बेटियां हैं कह रहे थे, देश की बेटियां, देश की बेटियां, यही तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से जो शब्द निकल जाता है जनता उसको सोचती है कि ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द कहे, पर आज उनका कोई मूल्य नहीं रहा। उस आदमी को सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, पूरा देश सड़कों पे है, यहाँ हर सामाजिक संगठन देश के, और सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं भी ये चीज को दिखा नहीं रही, पर आप जैसे लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर बृजभूषण सिंह ये कह रहे हैं कि एक ही अखाड़े के एक ही परिवार के लोग बैठे हुए, एक ही परिवार के कैसे हैं? ये पूरे हरियाणा के लोग हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, और पूरे देश के लोग हैं। अरे हरियाणा के 90% परिवार मेरे साथ। आप एक बात बताइए, जब हरियाणा के लोगों में कुछ ऐसी योग्यता है
तो उनको कैसे रोक सकते हैं? जो आदमी ट्रायल लेके आके मेडल, आज से पहले कौन मेडल लेके आया था? ये हरियाणा के बच्चे लेके आए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के कितने मेडल आते थे कुश्ती में। इन इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो इन बच्चों को जाता है, इनकी कड़ी मेहनत। और ये गरीब परिवारों से आते हैं, ये कोई बहुत रजवाड़े घरों से नहीं है, इन्होंने अपनी मेहनत के बल पे ये किया है। और आज उनको, अगर आप ये देखो इस देश में कोई लोकतंत्र संविधान के कोई बात बची हो, किस आदमी पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हो, जिसको एक घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट हो जाना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि अगर जो जांच में मैं पूरा मदद करूंगा। किस बात की जांच का? अरेस्ट हो, पहले गिरफ्तारी दे, उसके बाद जांच होगी। जांच तो बाद में होगी, जब गिरफ्तारी देगा। जब गिरफ्तारी देगा उसके बाद जांच होगी। वो कह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आप देख लिए ना, उन्होंने कहां किसके लिए ये बात कही? या तो मोदी जी कहेंगे, या नड्डा जी कहेंगे, या अमित शाह जी कहेंगे, इसका मतलब किसके सहारे पे हो रहा है? ये सब मोदी जी के सहारे पे हो रहा है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश का है जिसको नैतिकता और सामाजिकता जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। टॉलरेंस पे काम कर, जीरो टो, आप योगी जी की बात कर रहे हो, ये कौन है? ये भी तो गुंडा है। वो तो सांसद है। सांसद तो है, पर उसको सांसद के लिए कानून नहीं है क्या? कोई वैसे तो है ही नहीं, जो हालात देश में पैदा हो गए, कानून देश में है ही नहीं। इनके लिए गरीब आदमी के लिए अलग है, आम आदमी के लिए, और जो एक बीजेपी का नेता है उसके लिए अलग कानून है। इसके ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हैं, और उनमें देखो कोई एक मतलब कहीं 302 का, 307 का, अपहरण के, सभी मुकदमे इस आदमी के ऊपर दर्ज हैं। अगर उसके बावजूद भी इस आदमी के सरकार संरक्षण दे रही है तो इससे शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और एक लास्ट वाली, धरने को आप कैसे देख रहे हैं और कैसे धरने को आगे इस पे बात विमर्श चल रही है? देखिए, आज पूरे देश के सामाजिक संगठन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की खापों ने आज समर्थन दिया है इस धरने को। और मुझे लगता है कि मोदी जितनी बेशर्मी और हठधर्मिता अपना रहा है उसके हिसाब से धरना जल्दी खत्म नहीं होगा। और ये किसान है, इन्होंने 13 महीने का तो सर्टिफिकेट है इनके पास। ये लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते इस बात की। और पहले तो खेती की बात थी, फसल की बात थी, वो तो कम ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, अब उनकी इज्जत पे, हमारी इज्जत पे बात है। मोदी को इस बात को भुगतना पड़ेगा बहुत बुरी तरह से। और ये लोग आज शायद यहाँ से कड़ा फैसला लेकर जाएं।